अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ मेरे अपने स्टाइल में ड्राई चाउमिन मैक्रोनी विद एग फ्राइड राइस। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है मैंने इस रेसिपी में चाउमिन में। तो चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, आप एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैंने दो एग लिए हैं, इसमें मैंने वन पिंच हाफ टी स्पून आप ऐसा करें जर्दे का रंग ले लें और हल्का सा सॉल्ट डाल लें, अच्छी तरह इसको विस्क कर लें। फिर गरम गरम ऑयल में दो तीन टेबल स्पून ऑयल हो उसमें आप अंडे को डालिए और इसको अच्छी तरह से चंक्स कर लें। पहले इसको फ्राई होने दें हल्का सा। ये मैं आपको एग फ्राइड राइस की रेसिपी दे रही हूँ, दो मिनटों में बन जाएंगे और आप यकीन करें इतने टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल। ये देखिए, अब मैं जल्दी से इसको इसके चंक्स कर रही हूँ। फुल एग लिया है मैंने, हाफ टी स्पून जर्दे का रंग डाला है, वन पिंच सॉल्ट डाला है, अच्छी तरह से विस्क किया है। अब मैं इसको जो है इसके चंक्स करके इसकी प्लेटिंग कर दूंगी। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग ताकि जल्दी जल्दी से हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हो जाएं। ये देखिए इस तरह से। जर्दे का रंग फूड कलर इसलिए दिया है मैंने क्योंकि वाइट राइस में वो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ जो मेरे एग्स हैं। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। टू टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है हाफ टी स्पून। इसको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने हाफ कैबेज लिया है क्योंकि मैंने वन ग्लास जो चावल हैं वो बॉईल किए हैं तो उसी रेशो से मैंने हाफ कैबेज लिया है। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। बिल्कुल जल्दी जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, दो मिनट में रेडी हो आपके चावल। बस ये है कि आप दो तीन घंटे पहले अपने चावल बॉईल करके रख लीजिएगा, फुल कुक हों चावल और ठंडे हो जाएं। या लेफ़्ट ओवर राइस भी हमारे पास होते हैं तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन अनियन, सब्ज प्याज। पहले मैंने इसमें गार्लिक डाला हाफ टी स्पून। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर, वाइट सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर लिया है वन टी स्पून और वन एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है और हाफ टी स्पून वाइट पेपर लिया है। जल्दी से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बस आपके पास अगर लेफ़्ट ओवर राइस भी हो या एक ग्लास दो ग्लास के भी बनाने हो तो ये झटपट बनने वाले आपके एग फ्राइड राइस हैं। मैं इसमें थोड़ा सा जो हाफ एग है वो अभी डाल रही हूँ फ्राई। यहाँ पे ये देखें, एक ग्लास मैंने चावल लिए हैं, ये देखें बिल्कुल ड्राई हमारे राइस हैं और बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं है, ठंडे हो चुके हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैं वैसे तो मैं इसमें चिकन पाउडर डालती हूँ मगर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स किया, थोड़ा सा सोया सॉस डाला, फिर इसमें वन टेबल स्पून के करीब मैंने विनीगर डाला। अब मैं इसमें जो हाफ हमारा एग बचा था उसको मिक्स करूँगी और ग्रीन अनियन डाल के मैं इसको दम दे दूँगी 10 मिनट के लिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अच्छा जी, अब मैं अपने स्टाइल से, मैंने पहले भी आपको चाउमीन ओरिजिनल ऑथेंटिक चाउमीन की रेसिपी दी है लेकिन ये मैं थोड़ी सी ज़रा हटके दे रही हूँ। यहाँ पे आप 2 पैकेट ले लें टमाटो केचप के और तकरीबन 2 टेबल स्पून आप डाल लें सोया सॉस। ये मैं मिक्सचर सॉस तैयार कर रही हूँ चाउमीन के लिए और 1 टी स्पून हमने लिया है इसमें विनीगर।
ठीक है। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स और 1/2 teaspoon मैंने जिंजर लिया है, सॉरी गार्लिक लिया है, वो मैं अब बाद में डालूंगी। अच्छा जी, अब हम इस सॉस को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें 1 tablespoon ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, जो इससे पहले मैंने आपको चाउमीन की रेसिपी दी थी वो ऑथेंटिक बिल्कुल ओरिजिनल थी। और ये जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि बच्चे हमारे कहते हैं जल्दी जल्दी से कुछ बनाएं और आपके घर में जो कुछ भी अवेलेबल हो तो आप रेडी करें। यहाँ मैंने 2 tablespoon लिया है ऑयल। अब मैंने इसमें डाला है गार्लिक, गार्लिक मैंने इसमें लिया है 1/2 teaspoon, हल्का सा सौते हो जाए। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा कुछ खाने को दिल चाहे तो हम प्रॉपर सारी चीज़ें जमा करें। ये रेसिपी मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जो झटपट चीज़ें बनाते हैं। यहाँ मैंने 1 bowl चिकन लिया है जिसको मैंने स्ट्रेप्स में कट कर लिया है, इसको मैं फ्राई करूँगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये रेसिपी उनके लिए है जिनके पास बस घर में जो अवेलेबल हो और उन्होंने जल्दी जल्दी से कुछ बनाना और बच्चों का मूड हो कुछ चाइनीज़ खाने का। यहाँ पे मैंने 1/2 cabbage लिया है, ये देखें, फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी। आप फ्लेम चूल्हे की तेज़ रखिएगा क्योंकि हमें इसको सॉगी नहीं करना, इसको हमने क्रंच क्रंच वेजिटेबल को रखना है। अब मैंने जो सॉस बनाया था जिसमें तकरीबन 1 tablespoon केचप, 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon सॉल्ट, 2 tablespoon सोया सॉस और 1 tablespoon विनेगर, इसको मैंने सॉस बना के अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, ब्राउन शुगर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिएगा, 1 tablespoon या 2 tablespoon, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, अब मैंने इसको मिक्स किया। अब मैं इसमें 1 tablespoon डाल रही हूँ चिली सॉस। अब इसको भी मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, और फिर 1 tablespoon मैंने एक और लिया है सोया सॉस का, क्योंकि हम थोड़ा सा फ्लेवरिंग चेक कर लेते हैं, अगर हमको लगे कि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो हल्के हैं तो हम उसको बाद में मैनेज भी कर सकते हैं। जो कम लेना चाहें उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट, और जो थोड़ा ज़्यादा लेना चाहें उनके लिए अगर आप ऊपर थोड़ा सा डाल लें। ये देखिए, मैंने मिक्स किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। और वो जो हल्का सा बाउल में मैंने पानी डाला था वो सॉस का था। ये देखें, ये मैंने स्क्रू मैक्रोनी लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और फिर इसको मैंने ठंडे पानी में से भी निकाल लिया है। अब मैंने इसको सिर्फ मिक्स करना है। ये देखिए, ये हमारे मैक्रोनी चाउमीन बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे देखें, एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है, एक एक दाना चावल का खिला खिला है और आप यकीन मानिए बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके ये एग फ्राइड को ट्राई कर रहे हैं, इतने टेस्टी बने हैं ये। और ये झटपट वाली रेसिपी है जो मैंने आपको दी है। अच्छा जी, यहाँ मैंने वो हमारा जो है मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है दूसरे पतीले में। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ग्रीन अनियन। ये देखिए, फिर मैं इसमें चिली डालूंगी।
यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने प्लेट को सर्व किया है। आपके बच्चों को चाहे कोई गेस्ट आए बहुत पसंद आएगा। एग फ्राइड राइस और चाउमीन नूडल्स ज़रूर, चाउमीन मैक्रोनी ज़रूर ट्राई किएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा रेसिपीज लाऊँ। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।